हेलो हेलो नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ। तो टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो एक मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है। यस गाइस, तो ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है रक्षाबंधन के लिए। तो चाहे आप रक्षाबंधन वर्चुअली मना रहे हो या फिर आप किसी के घर भी जाकर मना रहे हो, तो आप ये सिंपल सा इजी पीजी सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड जस्ट गो गेट ग्रैब सम हैवी इयररिंग्स एंड गेट अ लाइट मेकअप और आपका रक्षाबंधन लुक जो है रेडी हो जाता है। सो या विदाउट ब्लैबरिंग एनी मच मोर, लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया है बायोटी बायो पाइनएप्पल ऑयल कंट्रोल फोमिंग फेस वॉश से। उसके बाद मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो कोकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। और मैं सभी चीज़ की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पर्पल का ऑयल कंट्रोल सीरम। उसके मैं एक दो ड्रॉप्स लेकर के अपने पूरे स्किन पे लगा लूँगी, जिससे मेरी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहेगी। और एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे एरोमा ट्रेजर्स का एलोवेरा जेल यूज़ किया है नॉर्मल। आप यहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद का। एंड उसके बाद मैं प्राइमर ले रही हूँ जो कि है इनसाइड 3-in-1 लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर। तो मैं सब जो भी मेरा मतलब टी जोन है सब पे मैं अच्छे से प्राइमर को अप्लाई करूँगी, ताकि मेरे स्किन को एक कैनवस मतलब एक कैनवस मिल जाए मेरे मेकअप को सेट होने के लिए अच्छे से, और मैं पूरे अच्छे से स्किन पे उसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाउंडेशन भी यूज़ किया है, लैक्मे का सीसी क्रीम यूज़ किया है और मेबेलिन का कंसीलर यूज़ किया है। और जो मेबेलिन का जो मैंने कंसीलर यूज़ किया है विच इज़ इन शेड लाइट 10, तो मैं अच्छे से सीसी क्रीम को और कंसीलर को लगा करके एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे मेकअप को ब्लेंड कर लूँगी। याद रखिए आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको जस्ट डैब डैब मोशन में ब्लेंडर को अप्लाई करना है। आप चाहें तो मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप कंसीलर लगा लीजिए, लाइक अंडर योर आईज़, ब्रिज ऑफ द नोज़, फॉरहेड और आपके लिप्स के कॉर्नर एरिया पे, और आपको जहाँ भी थोड़ी पिगमेंटेशन दिखे वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। और कंसीलर को भी उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए। आप चाहें तो इफ़ यू आर नॉट इनटू ब्लेंडर्स देन यू कैन यूज़ डेफिनेटली यूज़ मेकअप ब्रशेस। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का आईब्रो पेंसिल इन द शेड ब्राउन, और मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे करके जो गैप्स हैं मेरे हेयर्स में उनको फिल करके फिर मैं एक स्पूली की हेल्प से लेके उस सारे प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी अपने आईब्रोज़ में, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद मैं सेम कंसीलर को ले करके अपने आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एकदम मेरी आईब्रोज़ जो हैं बहुत ही डिफाइंड लगें और क्लीन लगें, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ले करके उसको डैब डैब मोशन में स्लोली स्लोली ब्लेंड कर लूँगी, और मेरी इससे क्या होगी, मेरे आईज़ भी सेट हो जाएंगे मेकअप के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने में पूरे जो बेस मेकअप है उसको सेट करने के लिए। तो मैं उसी से अपने आईज अपने फेस सबको अच्छे से पैक कर लूँगी, और मैं सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन चेक इट आउट। डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जैकलिन हिल का मॉर्फे पैलेट ले रही हूँ। उसमें से सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा बेस कलर चूज़ करूँगी, दैट इज़ लाइट येलो, और मैं अपने पूरी आईज़ की लिड पे वो बेस कलर अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं ये ग्रीन कलर पिक कर रही हूँ और उसको मैं अपने एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँगी, और उसको मतलब अपने डिज़ायर कलर तक
ब्लेंड करती रहूँगी जब तक आपको अपना यू नो परफेक्ट कलर ना मिल जाए। मुझे बहुत डार्क नहीं चाहिए था तो मैंने नॉर्मल लाइट यूज़ किया है। उसके बाद मैं एक स्टिक ब्रश की हेल्प से लेके डार्क ब्राउन शेड या फिर आप ब्लैक भी ले सकते हैं वो लेके अपने यू नो इनर कॉर्नर सॉरी आउटर कॉर्नर पे वी के शेप में आई शेडो अप्लाई करूँगी एंड देन आई विल जस्ट लाइटली ब्लेंडेड टूवर्ड्स इनवर्ड डायरेक्शन में उसको हल्का सा ब्लेंड करूँगी। फिर उसके बाद एक फ्लफी ब्रश लेकर के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। उसके बाद सेम ब्राउन डार्क ब्राउन कलर लेके मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। मैं कोई काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का हाईटेक आईलाइनर और नॉर्मल मैंने बहुत लाइट विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ किया है और आप उसे चाहें तो आई शेडो से ही आप थोड़ा ब्लैक स्मजी टाइप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ किया। दिस इज़ माय एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फेवरेट मस्कारा। उसके बाद मैं कोई भी एक ग्लिटरी शेड ले करके या फिर शैम्पेन कलर में या गोल्डन कलर में लेके अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। उसके बाद मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट इन द शेड 02। उसमें से मैंने ये कोरल कलर लेके अपने एप्पल ऑफ चीक्स पे लगाया है एंड उसको लाइटली मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड उसी में से फिर मैंने जो शैम्पेन कलर का हाइलाइटर है मैं वो अपने सारे हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी लाइक ब्रिज ऑफ माई नोज एंड माई चीक बोन्स माई ब्राउ बोन। मैं अपने सारे हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी एंड माई फॉरहेड टू। ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट मैं कर रही हूँ यहाँ पे। सो लास्टली मैं वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर पे मैं हल्का सा मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ फ्रॉम कालाबार। आप कोई भी दूसरा मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे दो लिपस्टिक यूज़ की है, वन इज़ फ्रॉम रेवलॉन दैट इज़ सेडक्शन शेड नंबर है एंड दूसरा मैंने यूज़ किया है स्टे क्वर्की की लिपस्टिक। रेवलॉन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव तो आप स्टे क्वर्की की भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों का शेड नेम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और मैं स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूँगी कि इसका शेड नेम क्या है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। एंड माई मेकअप इज़ लाइक एब्सोल्यूटली डन एंड अब मैं इयर रिंग चेंज करूँगी एंड आई विल पुट सम बिंदी एंड येस यू आर नाउ गुड टू गो। सो दैट्स अबाउट द वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड इट येट एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।